हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मेरा सीरीज़ 20 है और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड को प्रॉफिट में ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, क्योंकि मेरा जो 19वां दिन था वो बहुत ही तगड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को आज कवर करने का कोशिश करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि अपना जो 10% है उससे थोड़ा ज़्यादा हो, बिकॉज मेरा लॉस जो है कल ज़्यादा हो गया है। तो मैं डायरेक्टली तो उस ट्रेड को विन नहीं कर सकता है या फिर नहीं प्रॉफिट कर पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि 10% से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जैसे यहाँ पे 82,000 है तो इसको मैं 10,000 के जैसा मैं प्रॉफिट करने का कोशिश करूँगा। ओके, और अगर मार्केट अच्छा रहा तो फिर हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि मेरा जो ट्रेडिंग है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, वो कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है कि कैसा लगता है, वो आप कमेंट करिए। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप मुझे मैसेज करिए, ताकि आप जो कमेंट करोगे उससे भी पता चलता है कि हमको किस तरीके का ट्रेड पंच करना है। ओके, तो ये चीज़ पे मैसेज ज़रूर करिएगा। ओके, और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आप अगले वीडियो में जो है $50 से ट्रेड करने का तरीका बताइएगा कि हम $50 से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उस टॉपिक को भी मैं ऐड करूंगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा उस भाई के लिए। ठीक है, क्योंकि उस भाई ने कमेंट किया और मैंने उसके जो पिछले क्वेश्चन थे मैंने उस चीज़ को भी बताया था कि किस तरीके से हम MTG को यूज करते हैं या फिर MTG क्या है। तो मैंने उस वीडियो में जो है मैंने जो खुद जानता था कि मैं MTG क्या होता है या फिर कौन सा बेस्ट तरीका है, MTG का क्या मतलब है, उस मैंने उस वीडियो में बताया था और उस भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो भाई ने कमेंट किया है कि $50 से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप $50 से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो मार्केट को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे और आज का जो हम ट्रेड पंच करेंगे वो हम करेंगे 2500 रुपीज़ का। ठीक है, ताकि जो अपना लॉसेस है वो कवर हो जाए। मार्केट देखिए ऑल ओवर दिख रहा है क्या, मार्केट अप डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अगर ये लेवल को ये ब्रेक करके निकलेगा तो फिर हम जाएंगे अप डायरेक्शन के लिए। मैं यहाँ पे एक लेवल लगा देता हूँ आज का जो है प्राइजेक्शन पे, थोड़ा हम ट्रेड पंच करेंगे ताकि जो मेरा लॉस है, पैटर्न पे देखिए आज काम नहीं करेंगे, पैटर्न पे ज़्यादा ही लॉस हो चुका है पैटर्न के चक्कर में, तो आज हम पैटर्न पे काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पैटर्न लॉस होता है, बट यहाँ पे हम आज पैटर्न के चक्कर में नहीं रहेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे कि प्राइजेक्शन पे काम करें। तो मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा के रखा है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर हम अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शन आता था, अभी नहीं है, तो नहीं तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शन लगा देता। ओके, तो हम वेट करते हैं इस लेवल को ये ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तब तक मैं उस भाई का जो है क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व करता हूँ कि $50 से कैसे ट्रेड पंच कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ। अब चलिए, आपके पास सपोज मान लीजिए $50 है, आपके पास यहाँ पे $50 है, समझिएगा अच्छा से, अगर समझ में कहीं दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे $50 आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। अब देखिए $50 से आपको कितना टारगेट पंच करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दोनों ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। 10% जो आपका प्रॉफिट होगा। ओके, और 10% आप 10 के जगह पे 20 भी ले सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो, जैसे मैं 20 रखा हूँ ताकि जो अपना लॉस हुआ है उसको मैं कवर सकूँ। यहाँ पे 10 और 20 मैंने यहाँ पे रख दिया लॉस एंड प्रॉफिट का। ठीक है, इसका आपको 10% ही बनाना है या फिर इसका जो है 10% ही आपको लॉस करना है। इससे क्या होगा, आपको अच्छा रहेगा, सही रहेगा ट्रेड लेने के लिए। अब चलिए हम यहाँ पे जो है जो हम ट्रेड पंच करेंगे इसका भी यहाँ पे दो खटाल बनेगा। पहला क्या बनेगा, आप इससे कितना ट्रेड लोगे, 5 ट्रेड आप टोटल पंच करोगे, टोटल आपको 5 ट्रेड ही पंच करना है, समझिएगा अच्छा से, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप समझिएगा। टोटल ट्रेड आपको कितना लेना है, 5। अब ट्रेड कितने का लेना है, पर ट्रेड जो है आपको पर ट्रेड $1 का लेना है। ओके, पर ट्रेड आपको $1 का लेना है। अब यहाँ पे आपका जो टारगेट होगा कितना होगा, $50 का आपको टारगेट आपका $5 का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप कोशिश नहीं करिएगा कि इससे ज़्यादा बने, क्योंकि अगर इतना बन जाएगा तो फिर आपके अंदर में ना एक क्या बोलते हैं उसको, ईगो तरह का आ जाएगा कि मेरा जो है टोटल ट्रेड विन होता है तो फिर उसके चक्कर में आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस बहुत सारा कर रखा है तो जाके ये सब चीज़ अपने को पता चला है। ओके, तो यहाँ पे $5 का ही आपको टारगेट लेना है। और देखिए $50 में ना $5 बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंडियन करेंसी में इसको देखें तो कम से कम 400 के समथिंग में हो जाता है, और 400 तो काफ़ी है। ओके, चलिए अब ट्रेड लेने का मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। पहला ट्रेड कितने का लेना है? फर्स्ट ट्रेड आपको $1 का लेना है। ये टोटल ट्रेड जो है, अगर आप लॉजिक के साथ ट्रेड प्लस करोगे तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर टोटल ट्रेड आपका प्रॉफिट होता है तो आपको सिर्फ $1 का ही लेना है ट्रेड, ताकि छोटा छोटा अमाउंट से आप ट्रेड करोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ट्रेड आपको $1 का लेना है। मैं इस चीज को फिर से एक बार समझा दूंगा, टोटल ट्रेड कितना का लेना है? सिर्फ यहाँ पे आपको 5 ट्रेड ही लेना है, ज्यादा लेना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बताया, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ये विनिंग रेशियो है आपका। टोटल ट्रेड विन होगा तो आपको पहला ट्रेड यहाँ पे $5 का लेना है, सॉरी $5 का बोलते हैं, पहला ट्रेड यहाँ पे आपको $1 का लेना है। विन हुआ तो आपको यहाँ पे अगेन $1 का ट्रेड लेना है, अगेन $1, अगेन $1, अगेन $1। अगर आप इसको विन कर लेते हैं सबका सब, तो आपके पास यहाँ पे तकरीबन $5 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास टोटल $5 आ जाएगा, ये बिन हो जाएगा, तो ये आपका बिन रेशियो हो गया। अब चलिए, अगर ऐसा नहीं कि आपका जो 5 ट्रेड है पांचों का 5 बिन हो जाएगा, बट होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब चलिए अगर आपका ट्रेड यहाँ पे लॉस होता है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? चलिए पहला ट्रेड पंच के $1 का लॉस हो गया, तो दूसरा ट्रेड आपको क्या करना है? अगर ये लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड आपको $2 का लेना है। ओके, $2 का ले लिया दूसरा ट्रेड। अब अगर यहां पे चलिए मैं आपको समझाता हूं, चलिए पहला ट्रेड आप यहां पे लिए, ये लॉस कर गया। ठीक है, तो आप यहां पे दो ट्रेड लिए $2 का, और ये आपका जो है यहां पे विन कर गया। ठीक है, लॉजिक के साथ आप MTG यूज किए और आपका यहाँ पे ट्रेड विन हो गया। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरा जो ट्रेड होगा अपना वो $1 पे आ जाना है, ये भी विन कर जाएगा। तो ठीक है, चलिए मान लीजिए ये भी आपका विन हो गया। तो देखिए आपने जो इसको लॉस किए थे, इसको इसमें कवर कर लिए एंड उसके बाद वन पे आ गए। अब यहाँ पे अगेन आप जैसे चौथा ट्रेड आप यहां पे पंच किए $1 का, एंड अगर ये लॉस हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहां पे पांचवा ट्रेड $2 का पंच करना है, $2 का। अगर ये लॉस हो गया, मान लीजिए किसी दिन अगर आपका इस तरीके का लॉस हो गया, ये भी आपका लॉस हो गया, तो आज यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड पंच ही नहीं करना है। ओके, इस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर ये प्रॉफिट में चला गया तो आपका जो 5% का टारगेट है 10% का, वो आपका यहाँ पे अचीव हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ट्रेड पंच करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प रहेगा ट्रेड लेने में। तो ये जो मेरे को नॉलेज है वो चीज़ मैंने आपको बताया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं। आप अगर इससे थोड़ा भी मतलब रूल को ब्रेक किए तो आपका जो ये $50 है वो गायब हो जाएगा ऑन स्पॉट। इसीलिए आपको इस तरीके से अगर पंच करोगे ट्रेड तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हर एक चीज़ हेल्प करेगा ट्रेड लेने में। ठीक है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ट्रेड पंच कर सकते हैं। चलिए अब अपना जो 10% का टारगेट है उस पर हम जाते हैं कि किस तरीके से हमको अचीव करना है। मैं यहाँ पे 25 रुपीज़ का ट्रेड लूँगा, 2500 रुपीज़ का।
और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न आज काम नहीं कर रहा है। मैंने देख लिया मार्केट का हिस्ट्री, आज पैटर्न काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेस्ट करेंगे क्या। देखिए यहाँ पे यह मार्केट निकला और मार्केट ऊपर ही गया, मेरे समझाने के चक्कर में क्या हो गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक लेवल है और इस लेवल पे अगर मार्केट आ जाता है तो ठीक है, आ तो गया। चलिए ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं दो ट्रेड पंच करूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, एंट्री शायद अपने को यहाँ पे लगना चाहिए, मैं ट्रेड पंच कर रखा हूँ। ओके, एंट्री अपने को बहुत ही बेस्ट मिला है, दो ट्रेड मैंने यहाँ पे पंच किया है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रेड है वो लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। अब चलिए मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रेड पंच क्यों किया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, और अगर देखा जाए तो ये एक जो कैंडल है ये एक लेवल है, और इस लेवल पे मार्केट आके क्लोज दिया है, तो मैंने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर में जाके दो ट्रेड पंच कर रखा है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रेड है अपना प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। मार्केट देखिए कोशिश तो कर रहा है मार्केट नीचे ही आने का, बट बायर में भी पावर है। अगर आप देखें तो इस कैंडल में पावर है, 5 सेकेंड है, 3 2 एंड बूम। तो चलिए पहला ट्रेड अपना प्रॉफिट हुआ है आज का, और देखते हैं क्या होता है। पहला ट्रेड तो वैसे प्रॉफिट हुआ है, चलिए यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है तो नेक्स्ट पेयर में चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। चलिए 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 क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेड पंच करने का इच्छा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल को ये रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। चलिए मैं रिस्क लेता हूँ थोड़ा सा, एक ट्रेड ही पंच करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देख के नीचे आया है, बट नीचे अभी इस लेवल को ये रिटेस्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने जो है एक ट्रेड पंच कर रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब वेट करते हैं कि ये ट्रेड अपना प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। ओके, 17 सेकेंड है, मैं कल थोड़ा ज़्यादा ट्रेड पंच कर रखा था इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो अपना ठीक ठाक चल रहा था। ओके, तो 1 सेकेंड में अपना प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं है। चलिए ये तीसरा ट्रेड अपना प्रॉफिट हुआ, एंड आज टारगेट कितना होगा, यहाँ पे था 82, 82 मतलब 92 तक का टारगेट रहेगा, और अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो फिर हम आगे कोशिश करेंगे बनाने का, ताकि जो कल वाला लॉसेस है उसको मैं रिकवर कर सकूँ, ठीक है। ये 50 डे का चैलेंज है और हम देखते हैं कि 50 डे में हम लॉस कितना दिन करते हैं। तो मार्केट में देखिए क्या कर रहा है, चलिए यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करना है। मार्केट वैसे देखा जाए तो यहाँ से अप डायरेक्शन में है, और ओवरऑल देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन लगेगा क्या, चलिए यहाँ पे एक जो है मैंने ट्रेंड लाइन लगाया है, और यहाँ से मार्केट देखिए रिटेस्ट आया है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम में आएगा तो फिर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को जो है फाइंड कर सकते हैं, तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऊपर पे ऊपर ही जा रहा है और यहाँ पे एक लेवल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी लेवल को टच नहीं किया है, तो मार्केट लेवल को लेवल पे जा सकता है, तो हम देखते हैं क्या होता है। 88 हुआ है, अपने को 92 चाहिए ना 10% के लिए। चलिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर ये ग्रीन नहीं बनता है तो हम फिर अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे ट्रेड पंच करने के लिए, क्योंकि ये कैंडल को यहाँ पे मेरे लॉजिक के हिसाब से ग्रीन बनना चाहिए, और अगर नहीं बना तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रेड पंच करेंगे अप डायरेक्शन के लिए। सॉरी, दो ट्रेड मैंने पंच कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इस कैंडल को ही यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए था, बना नहीं। क्यों, लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक एक है, यहाँ पे 1 2 3 4 चार कैंडल के बाद एक यहाँ पे अपोजिट कैंडल आया, तो उसके बाद इस लेवल पे यहाँ पे एक लेवल हो गया, तो इस लेवल को ये कैंडल जो है रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, लेकिन ये कैंडल नहीं गया तो इस कैंडल पे जाना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा था एक ट्रेड पंच करने के लिए, लेकिन माउस से जो है दो क्लिक हो गया और मैंने दो ट्रेड पंच कर दिया।
अब देखते हैं कि ये जो ट्रेड है प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप बिन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 सेकेंड है तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं। ओके, मैंने जो लॉजिक सोचा था वही हुआ, जाना चाहिए था इस कैंडल को, बट गया नहीं। तो मैंने यहाँ पे मार्टिंगल के तौर पे मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड पंच किया, एंड आप देख सकते हैं ये भी ट्रेड अपना प्रॉफिट में क्लोज हुआ। मैंने टोटल अभी 1 2 3 4 5 पांच ट्रेड पंच किया, और पांचों का पांच दो है अपना विन हुआ। यहाँ पे एक मेरे को पैटर्न दिखाई, ठीक है, तो मैं एक ट्रेड पंच करूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, देखता हूँ कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने ट्रेड यहाँ पे पंच किया है, ठीक है, इस जगह पे। वैसे भी इस कैंडल को यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है रेड बनना चाहिए, बट हम देखते हैं क्या होता है। अब पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ कि पैटर्न क्या है। आप सब समझ ही गए होंगे, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच क्यों किया। ठीक है, लॉस हो जाएगा वो अलग बात है, बट यहाँ पे मेरा जो लॉजिक है वो चीज़ पे मैंने ट्रेड पंच किया है। पंच मैं क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे ग्रीन है, दो रेड है और एक ग्रीन है, तो इस कैंडल को मेरे हिसाब से यहाँ पे रेड बनना चाहिए, लेकिन बना नहीं। लेकिन ये कैंडल देखिएगा रेड बन जाएगा, गारंटी ये रेड बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करेंगे, मेरा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट हो चुका है, तो हम यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करेंगे। ओके, तो वेट करते हैं रिजल्ट का, वेट करते हैं रिजल्ट, तो विन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, और ऊपर में अगर देखा जाए तो एक लेवल है, तो इस लेवल पे मार्केट जा चुका है, एंड मेरा एक पैटर्न भी बन चुका है। क्या? बिग स्मॉल, और इस कैंडल को मीडियम बनना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक लेवल भी है, तो दो अपॉर्चुनिटी है, हम ट्रेड पंच कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड पंच करूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। मैंने एक ट्रेड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए पंच कर दिया। दो लॉजिक है मेरे पास, एक पैटर्न बेस, दूसरा प्राइज एक्शन बेस। तो मैंने यहाँ पे जो है ट्रेड पंच कर दिया। फिलहाल तो मेरा जितना ट्रेड था वो बिन हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड अपना प्रॉफिट हुआ है, और मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। ठीक है, तो इजिली से हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने का कि और थोड़ा बन जाए तो सही रहेगा। वैसे 10% अपना जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। ठीक है, लॉसेस जैसे मेरा दो ट्रेड अभी लगातार लॉस हो जाएगा तो फिर हम ट्रेड बंद कर देंगे, क्योंकि अपना टारगेट जो है अचीव हो ही चुका है, तो फिर टेंशन क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड बन गया विन, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक ट्रेड अगेन प्लेस कर सकते हैं अपर डायरेक्शन के लिए, लेकिन ज़्यादा लालच सही नहीं होगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ये कैंडल को यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए, ये मेरा लॉजिक है। क्या सेम लॉजिक है? अगर आप देखें जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस लॉजिक पे मैंने ट्रेड पंच किया है, वही लॉजिक अभी काम करेगा। यहाँ पे देखिए, 4 कैंडल के बाद एक यहाँ पे रेड आया था, तो इस कैंडल को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, तो ये कैंडल बहुत ही तगड़ा तरीके से गया। यहाँ पे एक पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे इस लेवल को ये रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आया, इसके बाद ये रिटेस्ट कैंडल आएगा, अब जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बनता है। वैसे ट्रेड हम पंच नहीं किए हैं, बट बनना चाहिए इसको ग्रीन, और अगर ग्रीन नहीं बना तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा अप डायरेक्शन के लिए मार्टिंगल के तौर पे, तो फिर हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड पंच करेंगे। ओके गाइस, तो अपना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो अपना जो टारगेट था यहाँ पे मात्र 92,000 रुपीज़ था, लेकिन मैंने क्या किया, 97,000 रुपीज़ बनाया है। तो हम इसको थोड़ा लेके जाएंगे आगे तक, क्योंकि मार्केट में अभी तक देखिए लॉस नहीं हुआ है, तो मेरा कहीं ना कहीं दिन सही चल रहा है, और मैंने जो कल लॉसेस किया आप आज हम उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल है तो ऊपर जा सकता था मार्केट, बट मैंने देखा नहीं था, अगर देखता तो मैं ट्रेड पंच करता अपर डायरेक्शन के लिए। ओके, देखते हैं क्या कहाँ ट्रेड मिलता है। अभी जो ट्रेड अपना दो ट्रेड जैसे लगातार लॉस हो जाएगा तो फिर आज का सेशन हम क्लोज कर देंगे, बिकॉज अपना जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, तो आज हम रिक्स अब नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम जाएंगे। यहाँ पे लेवल है, लेवल तो है, और यहाँ पे बिक भी बना है, तो मार्केट को अब जाना चाहिए। मैं एक ट्रेड जो है अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड पंच कर दिया, क्यों किया, यहाँ पे देखिए अगर आप देखें तो ओवरसोल्ड एरिया में मार्केट आ चुका है, अब यहाँ से मार्केट को अब जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल को ये रिटेस्ट करने के लिए तो अब रिवर्स होना चाहिए कैंडल, तो मैंने इस लॉजिक पे एक ट्रेड पंच किया है।
ये ट्रेड अगर लॉस होता है तो फिर अगेन एक ट्रेड पंच करेंगे, अगर वो भी लॉस हो जाता है तो फिर आज का जो ट्रेड होगा वो मेरा क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा लॉजिक क्या था, यहाँ पे सेलर जो है वीक हुआ था, इसी को मैंने देखे यहाँ पे ट्रेड पंच किया है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है मार्केट, 14 सेकेंड है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, चलिए मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज करूंगा, बिकॉज अपना जो लॉजिक है वो सही है। मैं यहाँ पे दो ट्रेड पंच कर दिया अपर डायरेक्शन के लिए, और अगर ये लॉस हो जाता है तो फिर आज का सेशन हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 90.89 पे आ गया, तो फिर 3 घट गया ना, 7, 7, 14। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक ट्रेड और पंच करके उसको बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस, यहाँ पे मार्टिंगल मेरा लॉस हो चुका है, और यहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो भी कम हो गया। ये इसीलिए लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी आप लाइव में देखें कि क्या होता है। लालच बूढ़ी बला है, मार्केट क्या किया, ऊपर गया था, लगभग तो गया था, हम देखे थे मार्केट, देखिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ट्रेड पंच नहीं करेंगे। अब ब्रो अपने को 2-3 ट्रेड पंच करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोजिंग है, 1, 2, 3, 4, मैं यहाँ पे 4 ट्रेड पंच कर दिया। 4 ट्रेड पंच क्यों किया, यहाँ पे एक पैटर्न हमको दिखा है, उसी पैटर्न को मैंने देख के ट्रेड पंच कर दिया है, ठीक है। और 3 एंट्री तो अपना अच्छा लगा है, और एक एंट्री थोड़ा रॉन्ग है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये प्रॉफिट होता है तो फिर आज का जो सेशन है हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, तो देखते हैं, ये कैंडल को यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए, इस लॉजिक पे मैंने ट्रेड पंच किया है, ठीक है। ओके, तो मेरा जो लॉजिक था पैटर्न पर, वो पैटर्न यहाँ पे सक्सेस हुआ है, और मैंने 4 ट्रेड पंच किया था, ठीक है। ये चारों का 4 अपना प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे लॉजिक था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया है। आपका क्या ख्याल है वो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बन चुका होगा, एंड आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 10% जो है अपना प्रॉफिट हो चुका है, नहीं तो फिर जो भी बनाए वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10% से भी ज़्यादा बनाए तो आज हम यहीं पे चलेंगे, जो मेरा लॉसेस है उसको मैं 2-3 दिन में मिला के कवर करेंगे उसको, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कवर करने का प्रयास करेंगे और कवर के चक्कर में ये भी चला जाए, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए कवर यहाँ पे क्या होगा, आज का जो है सेशन मेरा प्रॉफिट में गया है, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, मैं इसको बीच बीच में कवर करेंगे। ये 20वां दिन अपना सक्सेस रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने लॉस किया है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं 2-3 दिन में इसको कवर कर लेंगे, जो भी मेरा टारगेट होता है वो उसको मैं ला दूंगा। यहाँ पे देखिए आज का जो टारगेट होना चाहिए था कितना, 1.34 होना चाहिए, यहाँ पे है कितना, 98, मतलब अभी 30 या 32 हज़ार के जैसा मेरा लॉसेस है, उसको हम 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज जैसे मैंने 6,000 रुपया कवर किया है, उसी तरह हम 4-5 दिन में कवर कर लेंगे। ओके, तो मेरा आइडिया कैसा लगा आपको ये नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या फिर ओपिनियन है तो आप मुझे मैसेज करके बताइए, मैं मैसेज को पढ़ता हूँ एंड उस पर मैं एक्शन भी लेता हूँ, ठीक है। तो मैसेज ज़रूर करिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।